हेलो नमस्कार साथियों। तो जैसा कि मैंने आप सभी को सुबह के वीडियो में बोला था कि आपके 10th के बोर्ड एग्जाम जो है वो पोस्टपोन हो गए हैं, तो इस पोस्टपोन के जो ये एक्स्ट्रा आपको टाइम मिला है, इस टाइम में आपको क्या करना है, जो टॉपिक हाफ कंप्लीट और इनकम्प्लीट है इनको कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करना है। तो मैं भी जो है ना आपके इस काम में लग गया हूँ। और हमारा एक चैप्टर्स बाकी था, कौन सा चैप्टर था, चौथा चैप्टर था साइंस में प्रतिव्यवस्था एवं, देखिए प्रतिव्यवस्था एवं व्यक्त समूह, यह चैप्टर जो है ना हम कर लेते हैं, ठीक है ना। अब इस चैप्टर्स की खासियत बात क्या, देखिए यदि ये चैप्टर आपको समझ में आ गया ना, एक बार समझ में आ गया तो यह कभी नहीं भूलेगा, ये ऐसा चैप्टर है, ठीक है। साथ साथ यदि आपको थोड़े बहुत समझ में आ गया तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मैं आपको भी इंटरेस्टिंग कैसे होगा वो मैं आपको बता के आपको जो है ना बता लूंगा अभी, ठीक है। इसके बाद जो है ना इस चैप्टर्स को हम कैसे पढ़ेंगे, मैंने पूरी बुक में से चैप्टर देखा, उस चैप्टर को पूरा पढ़ा और उस चैप्टर के जो बीच में से छोटे छोटे जो पॉइंट होते हैं इंपॉर्टेंट, उन पॉइंट को उठाया। क्योंकि यह चैप्टर जो है ना कितने नंबर का, पहले आप यह देखिए, यह चैप्टर 3 नंबर का है, ठीक है, 3 या 4 नंबर का चैप्टर है। और इस चैप्टर से अब तक या तो 1 नंबर के क्वेश्चन आते हैं तीनों, या फिर 1+2 के रूप में आता है, यही जो है ना इसका फॉर्मेट रहता है, इसके बाद इसका फॉर्मेट जाता नहीं है। मतलब इस चैप्टर से छोटे छोटे क्वेश्चंस आएंगे, तो इन सभी छोटे छोटे क्वेश्चंस को जो है ना मैंने बुक चैप्टर जो है ना उस चैप्टर के मैच उठाया, ठीक है। हो सकता है कि कुछ एक क्वेश्चन मैच करेंगे, बाकी बहुत से क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको नए देखने को मिलेंगे, जो आपने पहले कभी देखे ही नहीं होंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसका जो कंसेप्ट है वो आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रतिव्यवस्था। प्रतिव्यवस्था का मतलब होता क्या है, ठीक है, चलो हम अपन जो है ना करंट जो अभी हुआ है ना उसको लेते हैं, जैसे कि अभी है कोरोना, ठीक है ना। अब कोरोना जो है ना, कोरोना क्या है, कोरोना एक वायरस है, उसकी वजह वो जो है ना हमारे शरीर में जाता है, जिससे जो है ना लोगों की मौत होती है या फिर वो बीमार पड़ते हैं, यही है कोरोना, ठीक है। अब इस कोरोना से हम बच क्यों नहीं पा रहे हैं, कोरोना को जो इंजेक्शन आया, जो आप बोल सकते हैं कि जो वैक्सीन आई है कोरोना की, उस वैक्सीन में क्या होता है, तो देखिए मैं आपको पूरा समझाता हूँ। कोरोना वायरस जो है ना वो एक प्रकार का क्या है, प्रतिजन, क्या है, प्रतिजन, इसको हम एंटीजन भी बोलते हैं, यहाँ पर भी आएंगे। तो वो जो है ना हमारे शरीर में जाता है, ठीक है, ठीक है ना। अब यदि हमारे शरीर की प्रतिरक्षा अच्छी होगी, यदि हमारे शरीर की प्रतिरक्षा अच्छी होगी, मतलब प्रतिरक्षा का मतलब ये समझ सकते हो कि बाहर के जितने रोगाणु होते हैं ना उनसे लड़ने की क्षमता, यदि हमारे शरीर की प्रतिरक्षा अच्छी होगी तो उसे कोरोना से लड़ पाएगा। लेकिन ये कोरोना इतना खतरनाक है कि हमारी प्रतिरक्षा अच्छी होने के बावजूद भी जो है ना क्या हो जाता है, बावजूद भी हमें अटैक कर लेता है। लेकिन फिर भी यदि हम ध्यान रखें, इन सब बातों का, अच्छा खाए, अच्छा मतलब हेल्दी वातावरण में रहे, थोड़ा मतलब काढ़ा वगैरह पिए, तो जो है ना प्रतिव्यवस्था तो अभी जो है वो बढ़ सकती है। इसलिए हमें बोला गया है कि आप जो है ना काढ़ा पियो, अच्छा हेल्दी खाओ, घर का खाओ, जंक फूड मत खाओ, तो वो प्रतिव्यवस्था बढ़ाने के लिए बोला गया है। मतलब प्रतिव्यवस्था कहीं ना कहीं जो है ना हमारी डेली लाइफ में यूज में आ रहा है, ठीक है। मैं इसको पूरे डेली लाइफ में जो है ना इसको अटैच करके बताता हूँ। अब देखिए होता क्या है कि आप जो है ना पहले स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले देखिए प्रतिव्यवस्था, प्रतिव्यवस्था विज्ञान किसे कहते हैं, तो देखिए मैंने आपको भी जो बताया ना वही बोल रखा है, रोगाणुओं के उन्मूलन हेतु शरीर में होने वाली शारीरिक क्रियाओं तथा संबंधित तत्वों को प्रतिव्यवस्था विज्ञान कहते हैं। रोगाणुओं के उन्मूलन, उन्मूलन मतलब उनको तोड़ना मरोड़ना, मतलब उनको खत्म करना, तो जो रोगाणु बाहर से शरीर में आते हैं ना, तो उन रोगाणुओं को मारने के लिए, खत्म करने के लिए शरीर में होने वाली शारीरिक क्रिया, जैसे कोरोना का वायरस हमारे शरीर में आएगा तो हमारे शरीर में बहुत सी शारीरिक क्रिया होगी, ठीक है ना, बहुत सी क्रिया होगी। देखिए हमको जो खांसी आती है ना, हमको तो लगती है वो बीमारी है, लेकिन जो हमारी बॉडी है ना वो सिग्नल देती है खांसी के रूप में, उस जो अब जो जीवाणु वगैरह आते हैं उनको बाहर फेंकने की कोशिश करता है, ठीक है ना। तो जो शरीर में शारीरिक क्रिया होती है तथा उससे संबंधित जितने भी तंत्र होते हैं ना, उसे हम प्रतिव्यवस्था विज्ञान कहते हैं, ठीक है, समझ गए। प्रतिव्यवस्था क्या है, सिंपली आप इस भाषा में समझिए कि जो बाहर से रोगाणु आते हैं ना, उनसे लड़ने के लिए जो है ना हमारे शरीर में एक तंत्र होता है जिसे हम कहते हैं प्रतिव्यवस्था तंत्र, समझ गए ना। तो ये होता है प्रतिव्यवस्था। देखिए अब हम इसको ऐसा समझते हैं, आप अपने आप को जो है ना क्या मानिए, आप अपने आप को एक घर मानिए, अपने मतलब एक मान सकते हो कि आप अपने आप में जो है ना एक छोटा सा आपका गांव है, ठीक है। अब यदि इस गांव में जो है ना बहुत सारे लोग रहते हैं, तो यह ना आमाशय हो गया, अग्नाशय हो गया, आपका मुख हो गया, आपका जो है ना सब कुछ जो है ना इस गांव में आपके लोग रहते हैं, ठीक है। अब यदि
इस गाय में कोई बाहरी घुसपैठिया आएगा तो आप गाय के लोग क्या करेंगे, वो सभी मिलकर उसको मारेंगे ना। तो बस यही काम प्रतिरक्षा में होता है। आप जब भी कोई जीवाणु बाहर से आता है हमारे शरीर में, हमारे गाय में आता है, तो बहुत से हमारे गाय के लोग मिलकर उसको मारने की कोशिश करते हैं। यही प्रतिरक्षा विज्ञान में होता है और यही जो है ना हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो पहले जो है ना छोटी छोटी बातों को समझ लेते हैं कि होता क्या है। सबसे पहले जो है ना हाँगी शरीर में प्रतिरक्षा कितने प्रकार की होती है। भाई जो गाय के लोग लड़ेंगे, मतलब हमारे शरीर में जो प्रतिरक्षा होंगी, जो हम काम करेंगे, वो कितने तरीके से जो है ना रोगाणुओं से लड़ेंगे। जैसे कि कोरोना का वायरस हमारे शरीर में आ गया, तो वो कितने तरीके से जो है ना कोरोना से लड़ेगा, किस किस तरीके से लड़ सकता है। तो पहला होता है स्वाभाविक, ठीक है ना, पहला होता है स्वाभाविक, और दूसरा होता है उपार्जित या विशिष्ट प्रतिरक्षा विधि, स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि या फिर उपार्जित या विशिष्ट प्रतिरक्षा विधि। अब इसको आप समझिए, देखिए स्वाभाविक का मतलब क्या होता है कि जो हमारे जन्म से ही आती है, स्वाभाविक का मतलब जन्म से ही आती है, और विशिष्ट या प्रतिरक्षा जो विशिष्ट बोल सकते हैं, उपार्जित प्रतिरक्षा विधि जो है ना वो बाद में आती है। देखिए जो हमारे जन्म के साथ आते हैं ना, वो जैसे कि खांसी होगी, बीमार मतलब छोटी खांसी होगी, छोटी बहुत खांसी होगी, उसके बाद थोड़ी बहुत बीमारी वगैरह होगी, वो जो है ना पहले से हमारे शरीर में जो है ना भगवान देकर भेजता है कि थोड़ी बहुत तो तुझे शक्ति में देकर भेजता, थोड़े बहुत लोग तो जो है ना पहले से है। अब ये उपार्जित और विशिष्ट प्रतिरक्षा विधि क्या, अब इसका मैं आपको बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल बताता हूँ। आपको जो है ना बचपन में छोटी माता हो रखी होगी, जिसे हम चेचक बोलते हैं, ठीक है ना। अब क्या कारण है कि किसी बंदे को एक बार चेचक हो जाने के बाद, एक बार छोटी माता हो जाने के बाद दूसरी बार नहीं होते हैं, क्या कारण है, ठीक है ना। या फिर देखिए अगर किसी को होता है ना, तो वो उसकी प्रतिरक्षा बहुत ही खराब है, बाकी एक बार हो जाने के बाद दूसरी बार नहीं होता है, ठीक है ना। आपको बोला भी जाता है कि क्या तुझे बचपन में छोटी माता हो रही है, ठीक है, यदि हो रही है तो अब तुझे नहीं होगी, और यदि नहीं हो रही है तो तुझे होने की पूरी चांस है, होता है ना। तो कैसे होता है, किस तरीके से होता है, इसको समझते हैं। देखिए हमारे जो गाय है ना, या आपका पूरा बॉडी जो गाय है ना, उस गाय के लोग बहुत ही चालाक है, बहुत ही चालाक है। वो क्या करते हैं कि गाय के जितने भी लोग हैं ना, जैसे कि छोटी माता का जो जीवाणु है, विषाणु है, वो हमारे शरीर में आ गया, ठीक है ना। तो पहले तो गाय के लोग उसको एकदम अटैक नहीं करते, वो पहले उसे जीवाणु से जाकर मिलेंगे, दोस्ती करेंगे, उसका क्या पेतु कैसा है, किस तरीके का, पूरा जो है ना उसकी कमजोरी और उसकी खासियत जान लेते हैं, जान लेना। उसके बाद जो है ना वो क्या करता है, उसके ऊपर अटैक करता है। जब तक दोस्ती करेंगे ना, तब तक जो है ना हमें थोड़ा इस गाय को थोड़ा कष्ट होगा, कष्ट तो होगा, हमारी बॉडी को थोड़ा कष्ट होता है, आपके जो चाले वगैरह होते हैं, ठीक है। लेकिन एक बार जो है ना दोस्ती करने के बाद उसको वो भगा देते हैं, दोस्ती कर ली वो भगा देते, तू जा यहाँ से, गाय से निकाल लेते हैं। और एक बार निकाल लिया ना, तो अब जो है ना गाँव के लोग उससे जो है ना घुल मिल जाते हैं, उसका पता चल जाता है। जैसे वो अब दोबारा एक बार हो गया चेचक, दोबारा यदि हमारे पास वही जीवाणु, वही जो है ना दोस्त वापस आने की कोशिश करेगा जीवाणु, तो गाँव के जो लोग होंगे, जो हमारी प्रतिरक्षा होगी ना, उसे जीवाणु को पहचान जाएंगे, और जो है ना पहले से पहचान जाएंगे, और प्रतिरक्षा विधि से जो है ना उसको बॉडी में आने नहीं देंगे, और एक बार आ गया ना तो फटाफट निकाल लेंगे, हमें पता ही नहीं चलेगा कि चेचक हुआ है, समझ गए बात। मतलब प्रतिरक्षा क्या करता है कि जब भी कोई नया जीवाणु आता है ना, उससे पहले मिलते हैं, उससे पहले संयोजित होते हैं, संयोजित होकर उसका पता लगाते हैं, और जब दूसरी बार वो वापस आएगा ना, तब जो है ना पहले से उसकी पहचान करके उसको पहले से ही, मतलब शरीर के अंदर आने से पहले उसको बाहर भेज देता है। तो वो होता है उपार्जित प्रतिरक्षा विधि, ठीक है ना। उपार्जित प्रतिरक्षा विधि को हम ये भी समझ सकते हैं, जैसे कि कोरोना की वैक्सीन आई है, तो वैक्सीन जो है ना पहले से, मतलब कोरोना से लड़ने की क्षमता पहले से जन्म से ज्यादा थोड़ी ना है, नहीं, वो तो हमें वैक्सीन वगैरह देंगे, उसके बाद उसकी प्रतिरक्षा विधि हमारी बॉडी में आ जाएगी, ठीक है ना। जैसे कि देखिए बहुत सी बात है, मैं करने जाऊँ ना, तो मतलब ये इतना इंटरेस्टिंग चैप्टर है कि आपको बहुत ही मजा आने वाला है। हम देखिए, यदि आपको जो है ना, आपको बोला भी जाता है कि यदि आपको किसी को हराना है ना, यदि आपको किसी को हराना है तो आप उसके दोस्त बन जाओ, ये बोला जाता है। इसलिए जो बोला जाता है कि जो बेईमान दोस्त होता है ना, वो दुश्मन से भी ज़्यादा खतरनाक होता है, ये बिल्कुल फैक्ट बात है, और यही बात हमारे बॉडी में भी लागू होती है, ठीक है ना। तो बहुत ही अच्छी अच्छी बातें हैं, पहले तो हम चैप्टर्स कर लेते हैं, फिर करते रहेंगे, ठीक है। अब ये जो उपार्जित प्रतिरक्षा विधि है ना, वो भी दो प्रकार की होती है, कितने प्रकार की होती है, ये आपको क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन सब लिखते हुए ना आपको बहुत ही मजा आएगा, आपको याद भी करना है। वो विशिष्ट या उपार्जित प्रतिरक्षा विधि दो प्रकार की होती है, सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा विधि, आप इसको याद कर लेना। अब आ गया हमारा प्रतिजन। देखिए प्रतिजन, आप जो है ना कन्फ्यूज मत होना, प्रति का मतलब क्या होता है, दूसरा
ठीक है ना। व्यक्ति का मतलब दूसरे होता है ना, जन का मतलब लोग, दूसरे लोग, हमारे गांव को छोड़कर दूसरे लोग। तो दूसरे लोग कौन से हो गए, रोगाणु होते हैं, जितने भी जीवाणु हो गए, विषाणु हो गए, ठीक है ना, ये सभी क्या व्यक्ति जन है। मतलब बोल सकते हैं कि जैसे कि कोरोना का वायरस है, ये क्या है, व्यक्ति जन। व्यक्ति जन को इंग्लिश में बोलते हैं एंटीजन, ठीक है ना। यहाँ पर आएगा आगे शब्द, तो व्यक्ति जन को इंग्लिश में बोलते हैं एंटीजन। आपको जो है ना समझना बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो प्रतिजन क्या होता है, अब आपको बोला गया कि प्रतिजन क्या होता है, तो देखिए क्या है इसका आंसर, प्रतिजन बाहरी रोगाणु। अब तो आपको पता चल गया, आप ही बाहरी रोगाणु तो है सर, हम तो पता है, हम तो जो है ना एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, कोरोना वैक्सीन, सॉरी कोरोना का वायरस, और भी चेचक का वायरस, और भी बहुत से जो है ना हम एग्जाम्पल दे सकते हैं, ठीक है ना, जो प्रतिवक्ष उत्पादन को प्रेरित करता है। अब ये कैसे आ गया सर कि प्रतिजन बाहरी रोगाणु तो होते हैं, लेकिन जो प्रतिवक्षी उत्पादन को प्रेरित करते हैं, ठीक है। अब प्रतिवक्षी उत्पादन को कैसे प्रेरित करते हैं, इसके लिए जो ना हम पहले इसको समझते हैं कि प्रतिवक्षी क्या होता है। प्रतिवक्षी क्या होता है, एक तो होता है प्रतिजन और एक होता है प्रतिवक्षी। प्रति मतलब दूसरे, और वक्षी मतलब रक्षा करने वाला, दूसरों से रक्षा करने वाला, जो कि क्या होगा, हमारे शरीर में, हमारे जितने भी जो है ना प्रति, जितने भी जो लोग हैं हमारे गाँव में, हमारे शरीर के गाँव में जितने भी लोग हैं, वो सभी मिलकर उस प्रतिजन से प्रतिरक्षी करेगा, प्रतिरक्षी बनाते हैं, ठीक है ना। प्रति मतलब दूसरे, और रक्षा मतलब दूसरों से रक्षा करने वाला, ऐसा समझिए आप इसको। देखिए प्रति प्लस रक्षी, ठीक है ना, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, प्रतिरक्षी, दूसरों से रक्षा करने वाला, और दूसरे कौन है, आपके प्रति मतलब दूसरे लोग, ठीक है ना, प्रतिजन। तो इन प्रतिजनों से रक्षा करने वाले तंत्र को हम क्या बोलते हैं, प्रतिरक्षी कहते हैं, ठीक है ना। तो देखिए अब इसका नाम मतलब बोलते हैं परिभाषा क्या है, तो प्रतिवक्षी जो है ना एक विशिष्ट गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन है, और ये प्रतिवक्षी क्या है, एक प्रोटीन है, इस प्रोटीन का नाम क्या है, गामा ग्लोबुलिन, ठीक है ना, ग्लोबुलिन याद रखना है आपको, ठीक है, जो प्रतिजन के साथ संयोजित हो सकते हैं। क्या बोला है, प्रतिजन के साथ संयोजित हो सकते हैं, और इनका निर्माण कोशिका द्वारा किया जाता है। अब हम समझते हैं, देखिए थोड़ा सा आप ध्यान देना, अब हम क्या समझते हैं, प्रतिजन जो है ना क्या होता है, प्रतिजन देखिए उत्पादन, जब भी प्रतिजन, जैसे कि आपका चेचक आ गया, छोटी माता जैसे हमारे शरीर में आएगा ना, ठीक है ना, देखिए पहले तो हमारे शरीर में लोग जो ना शांत बैठे होते, आराम से काम कर रहे थे, अपना जो है ना जो डेली रूटीन चलता है वो चला होता, लेकिन जैसे ही चेचक हमारे शरीर में आया ना, सब लोग जो है ना एकदम उत्तेजित हो गए, भागने लगे कि वो आ गया, कैसे एकदम तूफान आ जाता, तो गाय के लोग कैसे भागते, ऐसे भागने लगे, मतलब उनको क्या किया, प्रेरित किया, प्रेरित मतलब उनको उकसाया कि भाई काम को, फटाफट काम को, मैं आ गया, काम को, ऐसे उनको उकसाया गया, समझ गया ना। अब उकसाने का काम कौन करता है, प्रतिवक्षी, और जब उकसाते हैं ना, तो प्रतिजन को उकसा दिया, अब ये प्रतिवक्षी क्या करेगा कि उस प्रतिजन के साथ मिलेगा, उस प्रतिजन के साथ दोस्ती करेगा, तो यही बोला गया है कि प्रतिजन के साथ संयोजित हो जाता है। संयोजित होने का मतलब क्या है, संयोजित होने का मतलब दोस्ती करेगा, ठीक है ना। देखिए आप जो है इसकी इमेज बना सकते हो अपने दिमाग में, कोशिश में यही करता हूं कि आप अपनी इमेज बना पाओ, इमेज बना लो मतलब कंसेप्ट को समझ लो, स्मार्ट वर्क कर लो, प्लस इसको पढ़ लो, आप आराम से लिख पाओगे, कभी भूलोगे ही नहीं। ये चैप्टर्स तो जो है ना बहुत ही अच्छे से मैं आपको करवा लूंगा, आगे ना समझ में, प्रतिवक्ष समझ में आ गया होगा, प्रतिजन समझ में आ गया होगा। अब थोड़ी बहुत इनकी इन्फॉर्मेशन है, थोड़ी बहुत जनरल इन्फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं, जनरल, जो कि क्या है कि जो प्रतिजन होता है ना उनका आणविक भार कितना होता है, ये आपको पूछा गया है। तो प्रतिजन मतलब दूसरे लोग, जैसे कि आपका जीवाणु हो गया, विषाणु हो गए, ठीक है ना, कोरोना का वायरस हो गया, ये सभी क्या प्रतिजन, तो इनका जो है ना आणविक भार होता है 6000 डाल्टन या उससे अधिक, कितना 6000 डाल्टन या उससे अधिक। अब एक बार याद रखना, आपको बोल लिया कि प्रतिजन, देखिए क्वेश्चन पूछे एमसीक्यू में, इसमें पूछेंगे, तो आपको बोल लिया गया कि प्रतिजन का आणविक भार कितना होता है, आपको ऑप्शन दे दिए गए 5500, ठीक है, बी ऑप्शन दे दिया गया 5800, सी ऑप्शन दे दिया गया आपका कितना 5960, इसके बाद डी ऑप्शन दे दिया गया है 6500, ठीक है। अब इसमें से आप कौन सा सही करोगे, पहले बताइए आप इसमें से कौन सा सही करोगे, तो देखिए सिंपल सी बात है, ये तो होगा नहीं, ए बी सी तो नहीं होंगे, क्योंकि ये 6000 से कम है। अब यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है कि इसका भाव जो है ना कितना होता है 6000 या उससे अधिक। अब 6000 या उससे अधिक, तो उससे अधिक क्या है 6600, ये आप जो है ना बोलना मत, हो सकता है देखिए आपको दिमाग वाले क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो आपको जो है ना रेडी रहना है, तो ये आपको जो है ना याद कर लो, या तो 6000 होगा या फिर उससे अधिक, ठीक है ना, आपको ये दोनों लिखना है 6000 या उससे अधिक। आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं एंटीजनी निर्धारक क्या होते हैं, या फिर एंटीजनी निर्धारक उसे हम बोलते हैं एपिटोप। एपिटोप क्या होते हैं, अब देखिए आपका एक है प्रतिजन, ठीक है ना, प्रतिजन आप समझ गए हो, यह आपका हो गया प्रतिजन, ठीक है, ये आपका जो है प्रतिजन, ठीक है ना, बहुत ही अच्छा अच्छा प्रतिजन है, और ये है आपके प्रतिवक्षी, प्रतिवक्षी जन, इसमें बहुत से लोग आ जाएंगे, ठीक है, ये आपके जो है ना प्रतिजन, वैसे प्रति आपके जो है ना प्रति, ये आपका मैं लिख लेता हूँ, ये आपका है प्रतिजन, देखिए
प्रतिजन, और यह है आपका प्रति व्यक्ति, ठीक है ना। अब होगा क्या, देखिए पहली बात तो ये आप समझिए कि प्रतिजन एक एक नहीं होगा। देखिए होगा तो प्रतिजन जो है ना बहुत सारे होंगे, लेकिन वो एक जैसे होंगे, समझ गए ना। जैसे कि एक जैसा मुंह होगा, एक जैसी शक्ल होगी, बहुत सारे होंगे लेकिन एक ही, मतलब बहुत सारे तो होंगे लेकिन वो होगा एक ही, समझ गए ना। मतलब इसके बहुत सारे रूप, जैसे रावण के कितने 10 रूप है, 10 7 एक जैसे, ठीक उसी तरीके इसके बहुत सारे जो है ना विषाणु होंगे लेकिन एक जैसे होंगे, ठीक है। और यह है आपकी प्रतिव्यक्ति बहुत ही है, ठीक है। अब खास बात क्या होता है, इसका जो ये जो प्रतिजन है ना वो क्या करता है, आप ये देखिए, ये प्रतिजन जो है ना क्या करता है, इसको जो है ना क्या करता है, इस प्रतिव्यक्ति के साथ प्रतिक्रिया करता है, ये बात सही है ना, प्रतिव्यक्ति के साथ मतलब मिलता है, कहने का मतलब ये है ना, प्रतिक्रिया करता है। तो इस प्रतिजन जो है ना, इस प्रतिजन, ये पूरा प्रतिजन जो है ना, इस पूरा प्रतिजन इनसे जाकर मिलता नहीं है, इसे प्रतिजन का थोड़ा सा भाग, ये जैसे कि एक टांग होगी, तो एक टांग जो है ना इनसे जाकर क्रिया करेंगी, प्रतिक्रिया करेंगी, ठीक है ना, थोड़ा सा भाग प्रतिक्रिया करता है। तो इस थोड़े से भाग को हम बोलते हैं एपिटोप, ठीक है ना, क्या बोलते हैं एपिटोप, समझ गया ना। देखिए ये बोल रखा है, सामान्यतः प्रतिजन जो है ना संपूर्ण अणु के रूप में प्रतिव्यक्ति से प्रतिक्रिया नहीं करते हैं, पूरा प्रतिजन जो है ना प्रतिव्यक्ति से क्रिया नहीं करेगा। तो कौन करता है भाई साहब, तो कौन करता है जनाब, जबकि इसके कुछ विशिष्ट अंश हो गए, कुछ एक विशिष्ट अंश, टांग हो गई, आंख हो गया, कान हो गया, कुछ विशिष्ट अंग, ठीक है ना। देखिए मैं यहाँ पर लोगों से जो है ना इसको कनेक्ट कर रहा हूँ, आप जो कन्फ्यूजन नहीं हो रहे होंगे, लोगों से कनेक्ट करूंगा, आप अपने आप को एक मानी, इससे जो है ना आपको याद हो जाएगा अच्छे से, ठीक है ना। तो जो है ना इसके कुछ विशिष्ट अंश जो है ना वो ही प्रतिव्यक्ति से जुड़ते हैं, ठीक है, क्या होता है, विशिष्ट अंश इस प्रतिव्यक्ति से जुड़ते हैं, और इन विशिष्ट अंशों को ही हम क्या बोलते हैं, एंटीजन निर्धारक या फिर एपिटोप, समझ गया ना, एपिटोप आ गया समझ में आ गया ना। देखिए ये बात आपको समझनी होगी, और यही जो है ना क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, तो कितने अच्छा है जो है ना, कितना सिंपल है। आगे बढ़ते हैं कि एंटीजन की संयोजकता कितनी होती है, एंटीजन की संयोजकता कितनी होती है, ये भी जो है ना बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। संयोजकता का मतलब क्या होता है, संयोजकता तो सर हमने केमिस्ट्री में पढ़ा था कि किसी की संयोजकता इतनी होती है, जैसे कि आपके सोडियम की एक होती है वो होती है, या संयोजकता से क्या लेना देना, संयोजकता से है लेना देना, ठीक है ना। देखिए एक प्रोटीन है ना, देखिए सिंपल सी बात है, ये जो है ना आपका क्या है, प्रतिजन, ठीक है ना। अब इसे प्रतिजन में ये टांग क्रिया करेगा, अब इसका ये हाथ बोलेगा कि भाई मैं भी तो क्रिया करूंगा, टांग क्यों क्रिया करूंगा, मैं भी एक हाथ भी क्रिया करेगा। अब ये एक आंख बोलेगी कि मैं भी क्रिया करूंगा, एक कान बोलेगा कि मैं भी क्रिया करूंगा, ठीक है ना। सब लोग क्रिया कर रहे हैं, तो जितने अंश क्रिया करते हैं ना उसका मान ही संयोजकता होती है, समझ गए। जितने अंश एक प्रतिजन का क्रिया करते हैं ना उसे हम बोलते हैं संयोजकता। जैसे कि देखिए एक प्रोटीन में कई एंटीजन निर्धारक हो सकते हैं, समझ गए ना। एंटीजन निर्धारक क्या होते हैं, वो अंश जो प्रतिव्यक्ति से क्रिया करते हैं, ठीक है ना, मतलब आप समझ गए। तो एक प्रोटीन में कई एंटीजन निर्धारक हो सकते हैं, इनकी संख्या को ही एंटीजन की संयोजकता कहते हैं, समझ गए ना। मतलब एक एंटीजन के जितने अंश प्रतिव्यक्ति से क्रिया करते हैं ना उसे हम क्या कहते हैं, एंटीजन की संयोजकता। देखिए दोस्तों मैं आपको एक छोटी सी टिप देता हूँ, थोड़ी सी है कि आपको एक तो होता है समझना, एक होता है आपको याद करना। आप एक बार समझ लीजिए कि क्या है, आप अपनी लैंग्वेज में समझ लीजिए, पहले मारवाड़ी होगी कुछ भी होगी, अपने लैंग्वेज में समझ लीजिए और अपने लैंग्वेज में अपने दोस्त को समझाइए, और फिर उसको जो है ना हिंदी में एक बार या तो इसको समझने के बाद इसको याद कर लीजिए, ठीक है ना। तो इससे जो है ना आपका समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और याद करना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको नंबर लाने हैं। लेकिन जब आप आगे जाओगे ना, टेंथ के बाद 11th 12th, फिर कॉलेज में आ जाओगे, तो वहाँ पर जो है ना याद करने से कोई मतलब नहीं होगा, वहाँ पर आपको समझना पड़ेगा। आपको ये पूछा जाएगा कि भैया आप समझे कितना, वो हमें बताइए, हमें आपसे नंबर से कोई लेना देना नहीं है। तो वहाँ पर जो है ना जितना आप समझे हुए होंगे ना वो काम आएगा, ठीक है। तो दो काम करना, एक तो समझना भी है और इनको रट कर याद भी करना है, ठीक है ना। टेंथ में ज़्यादातर रटने का होता है, लेकिन कोशिश कीजिए कि आप ज़्यादातर समझो अपने लैंग्वेज में, ठीक है ना, ठीक है। अब देखिए अधिकांश जीवाणु में एंटीजन की संयोजकता कितनी होती है, अधिकांश मतलब जैसे चेचक का हो गया, पोलियो का हो गया, आपके बहुत से जो है ना जीवाणु, बहुत से जो है ना एंटीजन होते हैं, उन एंटीजनों की संयोजकता जीवाणुओं में, ठीक है ना, उन जीवाणुओं में एंटीजन की संयोजकता कितनी होती है, मतलब कितने अंश जो है ना क्रिया करते हैं, एक एंटीजन के कितने अंश क्रिया करते हैं, हाथ पैर टांग बाल हो गए, ये कितने अंश क्रिया करते हैं, 100 या उससे अधिक। तो ये भी जो है ना आपको याद रखना पड़ेगा, 100 या उससे अधिक, समझ गए ना। तो ये जो है ना देखिए छोटी छोटी बातें बहुत ही आपके दिमाग में जो है ना क्लियर पिक्चर जो है ना क्लियर होगी। प्रतिव्यक्ति को हम क्या कहते हैं, प्रतिव्यक्ति को क्या कहा जाता है, प्रतिव्यक्ति को याद रखना आपको इम्यूनोग्लोबिन भी कहते हैं, क्या कहते हैं, इम्यूनोग्लोबिन, जिसको IG से लिखते हैं। देखिए IG आपके सामने भी आने वाला है, बहुत जल्द आने वाला है, IG से लिखते हैं, देखिए इम्यूनो, ठीक है, ग्लोबिन, ये इस तरीके से कुछ लिखते हैं,
ग्लोबिन लिखते हैं। तो ये जो ना आप याद रख लेना, इम्यूनोग्लोबिन भी कहा जाता है प्रतिरक्षी को, याद रख लेना। इसके बाद आ गया पैराटॉप। अब पैराटॉप क्या होता है, जिस तरीके से आपका क्या होता है एपिटॉप होता है, एपिटॉप क्या होता है, देखिए सिंपल सी बात है, ये आपका प्रतिजन है और ये आपका प्रतिरक्षी है, ठीक है। प्रतिजन का के कुछ जो भाग इस प्रतिरक्षी से क्रिया करता है वो क्या कहलाता है एपिटॉप, ठीक है। लेकिन ये जो प्रतिरक्षी है, अब प्रतिरक्षी क्या बोलते हैं पता है, जैसे कि प्रतिरक्षी ने क्या कहा कि बाहर से कोई लोग आया, अब वो जो है ना वो पूरा लड़ नहीं रहा है, उसका थोड़ा सा भाग लड़ रहा है, तो प्रतिरक्षी ने क्या बोला, आपके गांव के लोगों ने क्या बोला कि हम भी पूरा क्यों लड़े, हम भी तो थोड़े बहुत लड़ेंगे। तो जो वो थोड़े बहुत लड़ते हैं ना, उन थोड़े बहुतों को हम बोलते हैं पैराटॉप, ठीक है ना। जैसे कि देखिए इससे प्रतिजन का थोड़ा सा भाग जो है ना वो इससे क्रिया करता है, और इसका भी जो थोड़े से अंश होंगे, ठीक है ना, मान लो ये थोड़े से अंश होंगे, इन अंशों को ये अंश ही जो है ना इस प्रतिजन से क्रिया करेंगे, और इन अंशों को हम कहते हैं पैराटॉप। देखिए पीछे पीछे टॉप टॉप आ रहा है, टॉप से आप समझ जाइए कि अंश की बात कर रहे हैं, थोड़े थोड़े अंशों की बात कर रहे हैं। पैरा मतलब प्रतिरक्षी के अंश, तो आपका एपी मतलब एंटीजनिक के अंश, समझ गए ना, समझ गए बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे। एपिटॉप है आपका एंटीजनिक का अंश, और एंटीजनिक अंश और पैराटॉप है आपका प्रतिरक्षी का वह भाग, अंश बोल सकते हैं, वह भाग जो प्रतिजन से क्रिया करता है पैराटॉप कहलाता है, समझ गए ना। तो ये छोटे से थोड़े से क्वेश्चन और भी आगे है, मजा आने वाला है, आप जो है ना पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, और जो है ना क्या करना है, यदि मजा आ रहा है तो चैनल को जो है ना सब्सक्राइब तो कर ही देते, आप तो कर ही देते हो, लेकिन वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो तो साथियों अब आगे और भी क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, उनको हम देखते हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा। देखिए अब हमारा स्टार्ट हो रहा है प्रतिव्यक्ति। प्रतिव्यक्ति आपने समझ तो लिया, लेकिन प्रतिव्यक्ति कैसा होता, किस तरीके का दिखता है, ये भी आपके दिमाग में अंदर डाउट आएगा। तो प्रतिव्यक्ति को हम समझते हैं कि यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्वेश्चन है प्रतिव्यक्ति की संरचना बताइए, इसके बाद वापस प्रतिव्यक्ति का क्वेश्चन है, इसके बाद वापस प्रतिव्यक्ति का, सब प्रतिव्यक्ति के क्वेश्चन जो है ना टॉपिक प्रतिव्यक्ति का ही चलेगा, ठीक है। अब दो ऑप्शन आपके पास, या तो आप प्रतिव्यक्ति के जितने भी क्वेश्चन है उनको आप रट लीजिए, याद कर लीजिए। दूसरा ऑप्शन है क्या कि आप इस प्रतिव्यक्ति कैसा देखते हैं, इसको आप देख ही लीजिए, समझ ही लीजिए, आपके जो है ना सभी डाउट खत्म हो जाएगा। देखिए तो हम प्रतिव्यक्ति की संरचना बनाते हैं, यदि आपको पूछ ले तो भी अच्छी बात है, नहीं पूछ ले तो आपको जो है ना समझने के लिए बहुत ही आवश्यक है। क्या है देखिए आपको क्या करना है, दो पहले तो बड़े डंडे बनाने, ये आपने डंडे जो है बना लिए, ठीक है, इस तरीके से बनाने हैं। अभी आप जो है ना आपको इनको अलग कर देने का, ठीक है ना, ये आपने कर दिए अलग हो गया। अब ऊपर भी जो है ना दो डंडे बनाने हैं, इस तरीके से आप बना सकते हो, ये जो है ना आपने बना लिए, ठीक है ना। अब जो है ना इनको आपको वापस अलग अलग कर देने का है बीच में से, ठीक है ना। यदि आपको देखिए डायग्राम बोल दिया तो भी ठीक है, नहीं बोला तो आपको जो है ना ये इससे समझ में आ जाएगा। देखिए ये जो है ना आपने बना लिए, ठीक है ना, अब इनको जो है ना वापस इस तरीके से काम कर लो, ठीक है, देखिए हो गया, ठीक है, ये जो है आपने बना लिया। तो यही आपका जो है क्या है प्रतिव्यक्ति, क्या है आपका प्रतिव्यक्ति। अब आप क्वेश्चन को देखिए, आपका क्वेश्चन जो है ना आराम से हो जाएंगे, कितने भी क्वेश्चन क्यों ना आते आपके हो जाएंगे। देखिए प्रतिव्यक्ति का आकार अंग्रेजी वाई अक्षर की तरह होता है, क्या होता है, बिल्कुल सर अंग्रेजी वाई अक्षर की तरह होता है, मतलब हम जो है ना समझ गए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यह चार संरचनात्मक इकाइयों से मिलकर बना होता है, चार संरचनात्मक इकाई कौन सी होती है, देखिए मैं बताऊँ चार संरचनात्मक इकाई जो है ना कौन कौन सी होती है, ठीक है। यह जो है ना पूरी एक, ठीक है, यह एक संरचना, दूसरी संरचना आपकी है, ठीक है ना, दो हो गई, ठीक है, तीसरी कौन सी है यह, और चौथी कौन सी है यह, चार संरचना मिलकर जो है ना क्या बनाता है एक प्रतिव्यक्ति का निर्माण करते हैं, समझ गए, चार संरचना मिलकर एक प्रतिव्यक्ति का निर्माण करेगी। आगे बढ़ते हैं, इसमें से दो पावी व बड़ी श्रृंखला, दो पावी व बड़ी, अच्छा दो पावी व बड़ी कौन सी होती है पता है ना, ये पहली और जो दूसरी, ये दोनों जो है ना कौन सी होती है, भावी भी होती है व बड़ी होती है, ये दोनों श्रृंखला भावी व बड़ी होती है, इसलिए आप इसको हम यूज करते हैं एच, एच मतलब हैवी, दो भावी और बड़ी श्रृंखला होती है। इसके बाद व तथा दो हल्की व छोटी, ये ऊपर वाली जो है ना वो क्या होती है, हल्की, हल्की भी होती है, ठीक है ना, हल्की व छोटी होती है, ठीक है ना, इस तरीके से आप लिख लोगे, उसके लिए हम यूज करते हैं एल, एल का मतलब समझ सकते हो लेस्ट या लो, कुछ भी मान सकते हो, लो मान सकते हो, मतलब हल्की भी है और छोटी भी है। आगे बढ़े, अब देखिए आप देख, आपको क्या बोला है कि एक भावी व एक हल्की श्रृंखला मिलकर एच एल द्विलक बनाती है, एक तो भावी, देखिए आपकी एक भावी है और एक हल्की है, ठीक है ना, अब ये है आपका एल और ये है आपका एच, तो ये दोनों मिलकर एच एल एक द्विलक बनाएगी, मतलब डायमंड बोल सकते हैं, आधा भाग बनाएगी, ठीक है ना, एक एच और एक एल मिलकर, ठीक है, और दूसरा भी एक L और एक H मिलकर, HL मिलकर जो है ना क्या बनाएगी वापस, एक आपका HL द्विलक बनाएगी, और ये दोनों द्विलक HL, HL
प्लस एच एल मिलकर जो है ना एक वाई पूरी संरचना बनाता है। ठीक है, देखिए यह इसको ऐसे समझिए कि यह है और यह है, ठीक है ना। यह आपका क्या है, एच एल द्विलक, और ये भी एच एल द्विलक है। ये जब दोनों मिलेंगे ना तो एक वाई संरचना ऐसी बनेगी, ठीक है ना। ये आपकी वाई संरचना बनेगी, इसको हम क्या बोलते हैं, आपका प्रतिवेक्षी। समझ में आ गया ना, ये आपका प्रतिवेक्षी। तो बस इसमें जो है ना आपको बोला है, देखिए एक हल्की वायु श्रृंखला मिलकर एच एल द्विलक बनाती है तथा दो द्विलक मिलकर एक प्रतिवेक्षी का निर्माण करते हैं। आ गया समझ में ना, डायग्राम से जो है ना आप आराम से समझ जाओगे। ये डायग्राम और भी इंपॉर्टेंट होने वाला, देखिए ये आपका बायोवे क्वेश्चन था। अब इसमें से देखिए हो सकता है कि ये दो नंबर में पूछ ले, दो नंबर में नहीं पूछेंगे तो इसमें से कोई एक छोटा सा क्वेश्चन भी मिल सकता है आपको एक नंबर का, इसलिए मैंने ये आपको करवाया है। आगे देखते हैं 13वां क्वेश्चन बोला कि प्रतिवेक्षी की संरचना में प्रत्येक वायु हल्की श्रृंखला में कितने अमीनो अम्ल होते हैं। एक वायु श्रृंखला, कौन सी वायु श्रृंखला है, ये आपकी श्रृंखला वायवीय, ठीक है ना। तो इसमें कितने अमीनो अम्ल होंगे, इसमें 440 अमीनो अम्ल होंगे, और जो हल्की श्रृंखला होगी उस हल्की श्रृंखला में कितने होंगे आपके, कितने 220 अमीनो अम्ल होंगे। अब वापस इसको समझिए, प्रत्येक वायवीय हल्की बोला है, ठीक है। देखिए दो तो वायवीय व हल्की होती है, दो क्या होती है, दो तो भावी होती है, ठीक है, भावी और बड़ी, और दो क्या होती है, हल्की व छोटी होती है, ठीक है ना। ये बोला क्या है, तो प्रत्येक बोला है, ठीक है ना, प्रत्येक भावी व हल्की, मतलब देखिए यह एक भावी और हल्की, भावी और जो है बड़ी है, यह भी भावी और बड़ी है। तो इस भावी और बड़ी में 640 अमीनो अम्ल, और इस भावी और बड़ी में भी 640 अमीनो अम्ल, इस छोटी व हल्की में भी 220 अमीनो अम्ल, और इस हल्की और छोटी में भी 220 अमीनो अम्ल, ये आपको जो है ना याद होना चाहिए। प्रत्येक भावी श्रृंखला में 440 अमीनो अम्ल और प्रत्येक हल्की श्रृंखला में 220 अमीनो अम्ल, जस्ट आधा होता है। या तो आप 220 याद रखिए, 220 का डबल 440, या फिर 440 याद रखिए इसका आधा 220, इस तरीके से याद रख सकते हो। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रतिवेक्षी की संरचना में प्रत्येक भावी व हल्की श्रृंखला कितने भागों में विभक्त होती है, तो दो भागों में विभक्त होती है। प्रत्येक भावी और हल्की श्रृंखलाओं को हमने दो भागों में, भावी और हल्की श्रृंखला, देखिए ये आपका पूरा प्रतिवेक्षी है, ठीक है। इस प्रतिवेक्षी को हमने दो भागों में बांटा है, कौन सा भाग है, एक तो अस्थिर भाग और एक है स्थिर भाग, दो भागों में ही बांटा है इसको। कौन सा, अस्थिर भाग और स्थिर भाग। अस्थिर भाग कौन सा कहलाता है, ये जो ऊपर वाले है ना, जो आपके ये ऊपर वाले होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, आपके हल्की श्रृंखला बोल सकते हैं, हल्की व छोटी, इस ऊपर वाले को हम बोलते हैं अस्थिर, एफ बी भाग बोलते हैं, एफ ए बी भाग कहते हैं। और जो नीचे वाला जो भाग है ना, इस नीचे वाले पूरे भाग को हम बोलते हैं स्थिर भाग, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, स्थिर भाग, याद होना चाहिए। अब यहां से एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन उठकर आ रहे हैं कि इस आपके प्रतिवेक्षी में पैराटॉप कौन सा, आप बताइए, आपके पास क्वेश्चन आ गया कि इस प्रतिवेक्षी में पैराटॉप कौन सा, बताइए। पैराटॉप क्या होता है, इस प्रतिवेक्षी का वह भाग जो प्रतिजन से क्रिया करता है। तो इस प्रतिवेक्षी में प्रतिजन से क्रिया करने वाला भाग जो है ना वो कौन सा है, अस्थिर भाग। ये जो एफ ए बी भाग है ना, वो ही जो है वो प्रतिजन से क्रिया करता है। कौन सा भाग, अस्थिर भाग जो है ना वो किससे क्रिया करता है, प्रतिजन से क्रिया करता है। बहुत ही बड़ा क्वेश्चन, बहुत ही है जो इस साल जो आ सकता है, क्या है कि अस्थिर भाग मतलब प्रतिवेक्षी का, प्रतिवेक्षी में प्रतिजन से क्रिया करने वाला भाग कौन सा है, तो बोलोगे कौन सा है, अस्थिर भाग है, प्रतिजन से क्रिया करता है। आप लिख लीजिए क्रिया करता है, पॉइंट लगा कर लिख लीजिए, बहुत ही अच्छा पॉइंट है, इंटरेस्टिंग है, ठीक है। अब आगे आपके पास कब्जे या हिंज, अब ऐसे क्वेश्चन को जब आप बैठने जाओगे तो आप कितना बैठोगे, आपको समझना पड़ेगा कब्जे या हिंज क्या होते हैं। देखिए यह आपको वाई दिखे ना, ठीक है ना। अब देखिए यह दो आपके भाग है, ठीक है ना। अब ये दो भागों का जो ये उद्गम स्थल है, ठीक है, उद्गम मतलब यहाँ से जो है ना वाय के भाग स्टार्ट होते हैं, यहाँ से ये जुड़े हुए हैं, ठीक है। और जो ये जुड़े हुए, जो ये उद्गम स्थल है ना, जहाँ ये जुड़े हुए हैं ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, कब्जे बोलते हैं, कब्जे बोलते हैं, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, कब्जे। देखिए प्रतिवेक्षियों के वाय स्वरूप में दोनों भुजाओं के, ये दोनों भुजाएं एक और दो, इन दोनों भुजाओं के उद्गम जो स्थल होता है ना, ये उद्गम स्थल है, मतलब जहाँ से स्टार्ट होती है, जहाँ से स्टार्ट होती है ना, तो वहाँ जो है ना उस भाग को जो है नाम क्या बोलते हैं, कब्जे या हिंज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कब्जे या हिंज। आगे समझ में, कब्जे या हिंज कभी बोलोगे नहीं, क्या है ये वाला भाग जो है ना, कब्जे या हिंज कहलाता है। अब आपको सर ने पूछ लिया, किसने पूछ लिया कि कब्जे या हिंज क्या होता है, तो आपको जो है ना परिभाषा देने की जरूरत नहीं, चित्र बनाइए और बता लीजिए कि ये भी कब्जे या हिंज होता है, ठीक है ना। और जो है ना वापस आप भी अपने सबसे बोल सकते हो कि जहाँ से यह दोनों भुजाएँ स्टार्ट होती है, इन दोनों भुजाओं के स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है ना, स्टार्टिंग जो आप बोल सकते हैं कि एरिया होता है, वो वाला क्या कहलाता है, कब्जे या हिंज कहलाता है। प्रतिवेक्षियों के प्रकार बताइए, तो प्रतिवेक्षी सबसे पहले तो याद होना चाहिए पांच प्रकार के होते हैं, ठीक है ना, याद हो जाएगा पांच प्रकार के होते हैं। पहली बात तो यह प्रतिवेक्षी पांच प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार है आईजीए, आईजीए पहला प्रकार है, यह एक द्विलक संरचना है। अब आपको बोल दिया गया कि
प्रतिवक्षी में द्विलक संरचना कौन सी, या फिर द्विलक प्रतिवक्षी कौन सा है, तो कौन सा बोलोगे आप, IgA, ठीक है। और दूसरा है IgM। IgM जो है ना क्या, एक पंचलक श्रृंखला है, पंचलक IgM श्रृंखला है। कैसे याद रखोगे इसको, IG, देखिए IG का मतलब क्या होता है, IG का मतलब होता है इम्यूनोग्लोबिन, होता है ना, IG का मतलब इम्यूनोग्लोबिन। इम्यूनोग्लोबिन किसे कहते हैं, प्रतिवक्षी को इम्यूनोग्लोबिन ही कहते हैं। और IG तो सबके सामने सामने हो गए ही, एक्स्ट्रा आ गया एम। अब एम पंच लग के इसको आप कैसे याद रखोगे, एम का मतलब होता है मैनी, मैनी दो या दो से ज़्यादा हो जाएंगे तो वो मैनी होंगे। तो ये मैनी जो है ना आपका एक ही है, मैनी में मतलब पंच लग, पंच लग आ गया मतलब मैनी है, तो IgM आपका हो जाएगा, ठीक है, IgM पंच लग श्रृंखला हो गई। इसके बाद सभी श्रृंखलाएँ जो होगी है ना, कौन कौन सी होती है, इसके बाद होती है IgG स्मॉल जी है, ये आपका IG आपका प्रतिवक्षी है, इसके बाद G, IgE और IgD, ठीक है। अब जो है ना IgG, IgE और IgD जो है ना, ये सभी एकलक या मोनोमेरिक, इसको हम एकलक भी बोलते हैं या फिर मोनोमेरिक बोलते हैं, ये सभी तीनों मोनोमेरिक संरचना होती है। IgA जो है द्विलक संरचना होती है, और IgM जो है वो पंचलक संरचना होती है। याद हो जाएगा पंचलक संरचना, पंच दो से ज़्यादा मतलब मैंने है, तो IgM आपका आ जाएगा। आगे समझ में, ठीक है। ये आपकी पाँच टोटल प्रतिवक्षी होती है, पाँच प्रकार की होती है, याद कर लीजिए, IgA, IgM, IgG, IgE, IgD, ठीक है ना। कैसे याद रखना है, ऐसा याद नहीं रखना है, आपको याद रखना है AMGED, ठीक है ना, आम गेड, ठीक है ना, इस तरीके से याद रखोगे आम गेड, ठीक है ना, क्या याद रखोगे, आम गेड, आम गेड से आपका हो जाएगा AMGED, आम गेड, या फिर आम डेग, ठीक है ना, कुछ भी याद करके आप अपने हिसाब से कुछ भी बना सकते हो, आम डेग बोल सकते हो, ठीक है ना, आम डेग, आम डेग या आम गेड, इस तरीके से आप बना सकते हो। इसके बाद आगे आपका क्वेश्चन कि माँ के दूध में पाए जाने वाला प्रतिवक्षी कौन सा है, माँ के दूध में, तो माँ के दूध में कौन सा प्रतिवक्षी पाया जाता है, इसका काम जनक क्या है, तो माँ के दूध में पाया जाने वाला प्रतिवक्षी IgA है, ठीक है ना, IgA, ए जो है ना आपका जो है ना सबसे पहले आता है, तो शिशु का जन्म भी सबसे पहले होता है, तो जो है ना IgA माँ के दूध में पाया जाता है। इसके बाद यह क्या काम करता है कि जो नवजात शिशु होता है, छोटा बच्चा होता है ना, छोटे बच्चे के प्रतिवक्षी का काम जो है ना कौन करता है, IgA ही करता है, ठीक है। IgA का काम है नवजात शिशु की प्रतिरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। यह IgG का कार्य कीजिए, बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन लिख सकता हूँ मैं इसको, कि यह मोस्ट क्वेश्चन है कि IgG का काम क्या है। IgG प्रतिवक्षी एक ऐसा प्रतिवक्षी है जो कि आवल, आवल किसको बोलते हैं, प्लेसेंटा, ठीक है ना, माँ के भ्रूण में जो प्लेसेंटा होती है, जो प्लेसेंटा क्या काम करता है, जो भ्रूण होता है, जो छोटा बच्चा होता है, उसको और माँ को कनेक्ट करता है दोनों को, ठीक है ना। तो IG मतलब जो IgG है वो आवल प्लेसेंटा को पार कर जो है ना भ्रूण तक पहुँचता है, ठीक है। ये जो IgG माँ के शरीर में प्रतिवक्षी होता है ना, वो इस प्लेसेंटा को पार करके जो है ना भ्रूण में शिशु के पास जाता है, ठीक है। और यह जो है ना पहला काम यह, दूसरा काम यह जो है ना प्रमुख संबंधी प्रतिवक्षी, जो आपके शरीर होता है ना, देह होता है ना, उस देह देह का प्रमुख मोस्ट मतलब बोल सकते हैं कि महत्वपूर्ण संवहन, मतलब जितने भी संवहन के काम होते हैं ना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी पोषण पदार्थों को लेकर जाने का, उसका जो है ना प्रमुख प्रतिवक्षी है, ठीक है ना, समझ में आ गया ना। प्रमुख संबंधी प्रतिवक्षी तथा रक्त एवं अन्य द्रव्यों में, द्रव्य मतलब पदार्थ होते हैं, रक्त एवं अन्य द्रव्यों में भी उपस्थित रहती है, ठीक है। आगे ना इसको याद करना है, सीरम में पाए जाने वाली प्रतिवक्षी में IgG जो है ना इसकी सान्द्रता सर्वाधिक होती है। जितने भी सीरम्स पाए जाते हैं ना, उन सीरम में सबसे ज्यादा प्रतिवक्षी कौन सी पाई जाती है, IgG। देखिए छोटा क्वेश्चन बन गया ना यहाँ से, कि सीरम में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली प्रतिवक्षी कौन सी है, तो IgG है, ठीक है ना। दो नंबर का है क्वेश्चन, आ गया तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं आया तो इसमें से छोटा क्वेश्चन भी आ सकता है, एक तीर दो निशान हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। इसके बाद 19वां क्वेश्चन है, प्रत्युत्तेजा एवं एलर्जी की क्रिया, जितने भी बॉडी में एलर्जी या प्रत्युत्तेजा होती है ना, उसके लिए कौन सा प्रतिवक्षी यूज में आती है, कौन सी काम करती है, IG और E, ठीक है ना, IgE प्रतिवक्षी जो है ना काम करती है। अब देखिए वीडियो लंबा हो गया या के लिए इतने रखते, लेकिन अगले वीडियो में इसके आगे डिस्कस करेंगे, और इतने इंटरेस्टिंग फैक्ट हम बातें करेंगे कि क्या कारण है कि किसी एक बंदे का मतलब ऐसा बंदे का ब्लड ग्रुप, मतलब ऐसे दो लोग जिनका ब्लड ग्रुप अलग अलग है, यदि उनको खून छिड़ा दिया जाए एक दूसरे का तो क्या होगा। बहुत सी ऐसी जो ना बातें होंगी जिनको हम डिस्कस करेंगे, जो आपने सोची तो है, आपके डेली लाइफ में यूज आते हैं, आपको डाउट भी आते रहते हैं, लेकिन आपको उसका आंसर नहीं मिला है, ऐसे ऐसे आंसर हम ढूंढने की कोशिश करते रहेंगे, ठीक है ना। क्या कारण है कि मतलब जनरली होता है ना कि ये तो जन्म से ही कमजोर बच्चा है, ठीक है ना,
ऐसा क्या कारण है कि वो जन्म से कमजोर बच्चे पैदा होता है, ऐसे सभी कारण जो है ना उनके हम सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश जो है वो करते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, अब आपको एक मैं काम देता हूँ, इन सभी क्वेश्चन को एक बार लिख तो लिए होगा, लिखकर याद कीजिए और आपके जो प्रतिवक्षी है ना, प्रतिवक्षी तक आपका जो चैप्टर है उसको पढ़ लीजिए। एक भी लाइन मिस नहीं की हो, यदि मिस की है तो आप उसको देख लीजिए, आप एक बार पढ़ लीजिए, रीडिंग लगा लीजिए, आपका जो है ना काम हो जाएगा आज तक। आधा चैप्टर हो गया है, आधा चैप्टर कल हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। तो बस आप पढ़ते रहिए, आपको इस लॉकडाउन के टाइम का बहुत ही, लॉकडाउन तो नहीं है, आपको इस जो एक्स्ट्रा टाइम मिला है इस टाइम का बहुत ही अच्छे से यूज़ करना है, ठीक है। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और एग्जाम में फोड़ने की तैयारी करते रहिए, ठीक है। थैंक यू। Thank you.